कल से यानी 1 सितंबर से आपकी जेब पर असर डालने वाले कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों में टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी स्मार्टफोन, रिचार्ज और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि स्मार्टफोन अब आम आदमी के लाइफ का एक अहम हिस्सा हो गया है। ऐसे में इन बदलाव का सीधा असर आप पर होगा। तो आज की चर्चा इन सभी बदलावों के बारे में है। पहला बदलाव आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन से जुड़ा है। दरअसल नए महीने में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। इसका बेसिक प्लान 399 रुपये की जगह 499 रुपये का हो जाएगा। वहीं दो स्मार्टफोन में इस ऐप को चलाने के लिए यूजर्स को 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। इस प्लान में HD वीडियो क्वालिटी मिलती है। वहीं बात थोड़े महंगे प्लान की करें, यानी 1499 रुपये वाले प्लान में 4 अलग अलग डिवाइसेस पर ऐप को एक्सेस आप कर पाएंगे। दूसरा बदलाव आपकी शॉपिंग करने की आदत पर असर डाल सकता है, मतलब शॉपिंग करना 1 सितंबर से महंगा हो सकता है। हालांकि अभी साफ नहीं है, लेकिन कंपनी डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए ग्राहकों को 500 ग्राम के पैकेट पर 58 रुपये तक ज्यादा देने पड़ेंगे। वहीं रीजनल कॉस्ट 36.50 रुपये तक होगी। तीसरा बदलाव सुरक्षा को लेकर है, लेकिन गूगल पर, मतलब ये बदलाव गूगल ड्राइव से जुड़ा है। 1 सितंबर से गूगल अकाउंट एक्सेस करने वाले सभी यूजर्स के लिए अब कंपनी गूगल ड्राइव की सिक्योरिटी बढ़ाने वाली है। गूगल 13 सितंबर को नई सिक्योरिटी अपडेट जारी करेगी। इस अपडेट से ड्राइव पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। अब आते हैं चौथे बदलाव की ओर। चौथा बदलाव भी गूगल से ही जुड़ा है। दरअसल सितंबर से गूगल प्ले स्टोर पर नए नियम लागू हो रहे हैं। इन नए नियमों से शॉर्ट पर्सनल लोन वाले ऐसे ऐप को बैन कर दिया जाएगा जो लोन के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। पिछले 2 साल के दौरान ऐसे ऐप से ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। इसी वजह से गूगल ने ऐसे ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। अब ऐप डेवलपर्स को शॉर्ट लोन ऐप से जुड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। अब आते हैं पांचवें बदलाव की तरफ, क्योंकि ये काफी खास भी है। पांचवें बदलाव में कुछ फ्रीज ऐप को बैन कर दिया जाएगा। मतलब 1 सितंबर से गूगल की नई पॉलिसी जो लागू होनी है, उसके मुताबिक इसका सीधा असर उन ऐप्स पर होगा जो गलत कंटेंट को प्रमोट करते हैं। साथ ही गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐप डेवलपर्स को बताया है कि जिन ऐप्स का काफी समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गूगल उन्हें ब्लॉक कर देगा। तो ये थे वो 5 बदलाव जो 1 सितंबर से होने जा रहे हैं। कुछ आपको महंगे पड़ेंगे और कुछ आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।